वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ आवर समर व्लॉग. सो आज का व्लॉग काफी अमेजिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर ब्रंच. सो दिस प्लेस इज नोन एज पसाज. एक्चुअली टोरंटो में ना काफी पॉपुलर स्पॉट्स हैं ब्रंच के लिए. सो मैंने हर्ष को बोला था इस समर और फॉल में ना हम सारे ब्रंच स्पॉट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. सो ये जो प्लेस है ना दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर देयर ब्रंच एंड स्पेशली फॉर टर्किश ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे मतलब टर्किश ब्रेकफास्ट के अलावा और भी बाकी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ब्रंच के लिए बिकॉज हम लोग आज शायद ही टर्किश ब्रेकफास्ट लेंगे बिकॉज वो जो होता है ना वो काफी बड़ा स्प्रेड होता है और मुझे लगता नहीं है कि मैं और हर्ष उसको फिनिश कर पाएंगे इवन दो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि हम ब्रंच पे जाने वाले हैं करके. सो बट फिर भी वो काफी बड़ा होता है और मैं नहीं चाहती कि हमारे पैसे वेस्ट हो फिर खाना वेस्ट हो. सो मे बी विल गो फॉर सम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ब्रंच लाइक लेट्स से फॉर पैनकेक्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. और वहां पे एक्चुअली टर्किश कॉफी भी मिलती है बट हर्ष ने बोला था कि वो थोड़ी ना क्या बोला थिक होती है काफी थोड़ी बिटर होती है. तो पता नहीं मैं ट्राई करूंगी कि आई डोंट नो बट हर्ष इज गोना ट्राई दैट डेफिनेटली. तो आज का व्लॉग बस ऐसे लोकल चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे डाउनटाउन में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं समर में. इट्स सो ब्यूटिफुल टोरंटो आई कांट इवन एक्सप्रेस यू कि कितना अच्छा लगता है. और अभी आपको मैं अगर बाहर दिखाऊंगी आज हम पूरा एक्चुअली जलने वाले बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब काफी अच्छा है प्रॉपर समर वाला वेदर है. हमने अच्छे से सनस्क्रीन की कोटिंग कर ली है जिसका आई डोंट थिंक से कुछ फायदा होने वाला है बट फिर भी वी कैन डू आवर पार्ट. सो दैट ब्रंच स्पॉट इज 40 or 45 minutes अवे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आवर प्लेस क्योंकि हम लोग अपनी कार नहीं लेके जा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू होता है. तो जल्दी निकलते हैं. हम लोगों ने रिजर्वेशन जो कराई दैट इज फॉर लाइक 1:15 PM और ऑलरेडी अभी कितना बज गया इट्स 12:21. सो निकलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि अगर हम नहीं आए दे विल वेट फॉर अस फॉर 10 minutes उसके बाद हमारी जगह चली जाएगी. सो लेट्स गो. कहाँ उतरना है? क्वीन स्ट्रीट पे उतरना है. ओके लुक एट द वेदर सो प्रिटी. Ford Yard Boulevard. Sunscreen dena. Really? Yeah. गाइज अभी हम बस स्टॉप में पहुंच गए हैं जहाँ से हमें दूसरी स्ट्रीट कर लेनी है. और एक्चुअली ये ना क्वीन स्ट्रीट है और समझ नहीं आ रहा मैं एक साल में इस तरफ क्यों नहीं आई. मतलब आई हैव ऑलरेडी बीन टू क्वीन स्ट्रीट बट ये जो साइड है यहाँ पे मैं कभी नहीं आई. और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स दिखे मुझे और एक दो विंटेज शॉप दिखी एंड आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक हियर ताकि मैं ये वाला जो साइड है क्वीन स्ट्रीट का अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ क्योंकि जो क्वीन स्ट्रीट है ना ये काफ़ी लंबी है और मैंने और हर्ष ने आधा ही एक्सप्लोर किया है. सो गाइस फाइनली स्ट्रीट कार आ गई. आई होप हम टाइम पे पहुंच जाएं और पूरी स्ट्रीट कार खाली है. Ordering this Makwar Benedict, then grandma's pancakes and also shakshuka भी ले रहे हैं. We are really happy कि हमारी reservation cancel नहीं हुई और थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे बस क्योंकि हम लोग actually बिल्कुल glass के पास बैठे हैं ना बहुत ज़्यादा धूप आ रही है यहाँ पे. इनका interior actually मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि 2 मिनट में मेरा पूरा मेकअप कैसी तैसी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है. Guys, look at the size of this brunch. अच्छा हुआ हम लोगों ने टर्किश ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है हम दो लोगों के लिए. दिस इज शक्शुका और ये आई थिंक इनकी लोकल कोई ब्रेड है. दिस इज ग्रैंड मास पैनकेक्स. आई एम हैविंग एग्स बेनेडिक्ट विद सैल्मन. तो वी आर रियली हंग्री. तो फटाफट कुछ अच्छे शॉट्स ले रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए उसके बाद हम पूरा फिनिश करने वाले हैं. Highlight of this brunch is very tasty.
brunch is over. But wait a second. This beautiful thing is left. अभी इसकी बारी है. Expect नहीं कर रही थी कि शक्शुका मुझे इतना पसंद आएगा. मैंने पहले भी खाया है. हर्ष ने काफी बार घर पे बनाया ना. और मैंने देसी वाला वर्जन बनाया. So guys, this pancake is so pretty. मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको डिस्ट्रॉय करने का. ये बटर है, देन उन लोगों ने थोड़ा पिस्ताचियोस डाले, फिर आई थिंक इट्स ब्लूबेरी, कुछ बेरीज सी है, बेरीज का जैम या कुछ सिरप है. एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस पैनकेक, इतना फ्लफी है ये, तो दैट्स व्हाई आई एम श्योर ये अच्छा होगा. बहुत मीठा है क्या? नहीं, स्वीट है और बटर सॉल्टी है. ओके, तो स्वीट एंड सॉल्टी का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है. बिल्कुल स्वीट नहीं लग रहा है और बटर टेस्ट बहुत एनहांस कर रहा है. वेरी टेस्टी. Guys, we had our brunch and oh my god, it was so tasty. और पता है जब हम लोग पैनकेक खाना शुरू किए ना, आई डोंट नो क्या था उसमें, इतनी ज़्यादा हम दोनों को नींद आने लग गई एंड वी कुडंट फिनिश इट. इट वॉज लाइक अ वेरी गुड ब्रांच. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. एक्चुअली दिखने में भी काफ़ी प्रिटी है, जो होता है ना मिनिमल डेकोर और विंटेज सा लुक, क्योंकि आई थिंक अंदर ग्रीन कलर के जो पेंट थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे. बट कभी भी आना होगा ना आप लोगों को, मेक श्योर टू बुक इट इन एडवांस, क्योंकि लोग वॉक इन्स नहीं लेते हैं. और इनके पैटियोज भी हैं बट पैटियो में सर्विस नहीं. इफ यू गाइस कैन सी बिहाइंड मी, उन लोगों ने बस एक दो टेबल चेयर रख दिया है बट कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे. और हर्ष बिल्कुल फुल है. हर्ष नींद आ रही है? हाँ तो ये देखते हैं क्या करना है. तो अभी हम इतने प्यारी लोकेलिटी में हैं, ये एक्चुअली पूरी क्वीन स्ट्रीट ही है. तो ये ऐसा लग रहा है कि हम एकदम डाउनटाउन से निकल के कोई छोटे से टाउन में आ गए हैं. काफी क्यूट घर हैं और काफी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. एज सच वी हैव नॉट मेड एनी अदर प्लान्स, तो हम लोगों को कुछ अच्छा लगेगा तो देखेंगे. सो वी आर जस्ट गोना गो बाय द फ्लो. अभी हम बस वॉक करेंगे, थोड़ा अपना ब्रंच डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो अभी हम भटक रहे हैं इस क्वीन स्ट्रीट में. एक्चुअली वेदर भी बहुत अच्छा है एंड हम लोग उतना कुछ स्ट्रेसफुल करना नहीं चाहते हैं, सो वी आर जस्ट टेकिंग अ लॉन्ग वॉक. लुक एट दिस चर्च, इतना प्यारा लग रहा है ये. बिल्कुल पूरी वाइन्स चढ़ी हुई है इसके ऊपर. हर्ष बिल्कुल नींद भगाते हुए, एक्चुअली नींद मुझे भी आ रही है. वी फाउंड दिस क्यूट बेंच, कितना अच्छा लग रहा है ना समर के हिसाब से. बिल्कुल कलरफुल और कितने प्यारे कलरफुल बेंचेस लगा रखे हैं यहाँ पे. सो Having fun, Harsh, doing nothing. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. So guys, अभी हम लोग बस ये street cross कर रहे थे. We found this cute coffee shop. I think Penguin. Purple Penguin Coffee. I mean, look at the interior. This is such a cute coffee shop. Stormy weather, weary eyes. So they have this option, Dalgona coffee, iced Dalgona latte. This is so cute. देख रहा हूँ क्वीन स्ट्रीट की फोटो है. Wow. ये फोटो है जब ये लाइन बिछ रही थी. हाँ. उसकी फोटो है. That's so nice, यार. सच अ क्यूट कैफे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इनका इंटीरियर एक्चुअली बहुत ही क्यूट है और एवरीथिंग इज सो पर्पल हियर. सो गाइस, हमने ये स्ट्रीट थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर ली है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं What is next? So guys, we are back home और बहुत ज़्यादा आज हम धूप में जले हैं और अभी धूप में थोड़ा हम और जलने वाले हैं. तो अभी जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हमने लिफ्ट में एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कि टेरिस पे कोई डीजे ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड वी वेयर टोटली अनअवेयर अबाउट दैट. तो हर्ष ने बोला लेट्स गो टू द टेरिस एंड एन्जॉय दिस फ्री डीजे. तो अभी मैं नीचे बस कुछ सामान ले रही हूँ, चिप्स वगैरह. हर्ष ऑलरेडी टेरिस पे जा चुका है एंड मैं ऊपर जाऊँगी, वो वापस फिर से नीचे आएगा कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए, बिकॉज अभी भी बहुत तेज धूप है. इफ यू गाइस कैन सी, बहुत तेज धूप है बाहर अभी भी. सो गाइस, चलते हैं ऊपर और मैं आप लोगों को हमारी बिल्डिंग का टेरेस दिखाती हूँ आज. चिप्स, तुम्हारे सनग्लासेस,
उसमें हम लोगों ने ये जगह ली हुई है और यहाँ पे रहा प्यारा सा व्यू और यहाँ पे एक कबाना है और ये एक पार्टी रूम है और ये रहा पूरे टेरेस का व्यू। एक्चुअली मुझे इस पूरी बिल्डिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये टेरेस लगती है बिकॉज इट्स सो प्रिटी। अब हम लोग यहाँ पे मूव हुए ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे रूफटॉप टेरेस है। बहुत ही अच्छा अमेजिंग सनसेट दिखता है और यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर्स डाल चुकी हूँ यहाँ की टेरेस की, सनसेट की। तो हर्ष को तो बहुत ही पसंद है ये रूफटॉप पैटियो। अभी काफ़ी तेज़ धूप है और आपको पता है अभी कितना टाइम हो रहा है, इट्स 8 o'clock। ये 8 o'clock है और इतनी तेज़ धूप है अभी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम भी अभी बस प्लान ये है, हर्ष ड्रिंक्स लेके आएगा, वी आर जस्ट गोना सिट हियर, वी आर जस्ट गोना चिल रिलैक्स। I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distress. So guys, hum DJ party mein hamare samosa leke aaye hain, yay! This is what we waited for. Take my hand. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free with me. Hey guys, अभी हम नीचे आ चुके हैं टेरेस से और अभी रात के 10 बजे हैं। आई मीन इतना मजा आया टेरेस पे, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा लगेगा बिकॉज आज का वेदर ना एक्चुअली काफी क्लियर था और इतना प्यारा सनसेट दिखा यहाँ से। सो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। आई गेस लास्ट ईयर हुई थी ना, एक बार हुई थी बीच में, सो लास्ट ईयर हुई थी, वी मिस्ड इट एंड वी आर लकी दैट वी वेर एबल टू अटेंड दिस पार्टी दिस ईयर। अच्छा था, काफी हैपनिंग था ऊपर और आज हमने जो गंद खाया है, तो ब्रंच में हमने इतना उल्टा सीधा खाया, उसके बाद अभी डीजे पार्टी में हमने इतने सारे समोसे खा लिए। और हर्ष ना एक्चुअली स्ट्रिक्ट डाइट पे, बट बेचारे की 2 दिन से लगी हुई है क्योंकि कल वो ऑफिस की तरफ से आउटिंग पे गया हुआ था, राफ्टिंग पे, वहाँ पे उसने पिज्जा वगैरह खा लिया। ऑलरेडी लेट हो चुका है तो मैंने बोला फटाफट ये जो भी शक्ल पे हमने डेंटिंग पेंटिंग की है उसको निकाली जाए। दैट्स अ रैप फॉर टुडेस वीडियो एंड आई रियली होप कि आप लोगों को आज का ये जो समर व्लॉग है काफी अच्छा लगा होगा बिकॉज Really, we haven't planned कि हमारा दिन ऐसा जाएगा, but it went really awesome. आगे से ना मैं थोड़ी कम planning करूंगी आज का experience देखने के बाद. Sometimes things turn out better than you think. So yeah, guys, that's a wrap for today's video. And if you like my videos, please share with others. Please subscribe to my channel if you haven't already. And yeah, I will see you all in my next video. Till then, bye.